मैं कब से आपका कमरे में वेट कर रही हूँ और आप यहाँ पर खड़े हैं? चलो मैं आता। आपको क्या हुआ है? आप खुश नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। तो फिर यहाँ पर अकेले खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? ओ, सब कुछ इतना सडनली हुआ कि मेंटली प्रिपेयर नहीं था। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा आप खुश नहीं है। अच्छा चले आए कमरे में, चलो। हाँ चलो मैं आता। मैं बिल्कुल अकेले नहीं जा रही हूँ, आपको साथ लेके जाऊंगी। चले चले फौरन। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बहू से मिलने आई हूँ। बहू से अभी भी मिलने की चाह है आपको? वैसे कोई कसर तो नहीं छोड़ी आप लोगों ने? मैं बहुत शर्मिंदा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। आपको पूरा हक हासिल। आप अपने अल्फाज को वेस्ट नहीं कीजिए। जी हमें हक हासिल है, लेकिन आप ये भूल जाइए कि आपसे अब हमारा कोई ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा कहाँ है? ज़ारा अपने कमरे में है, तैयार हो रही है हॉस्पिटल जाने के लिए। मैं ज़ारा से मिलना चाहती हूँ। क्या मतलब है, क्यों मिलना चाहती हैं आप? भूल गई हैं आप जो सुलूक किया आपके बेटे ने उसके साथ? क्या हशर कर दिया था उसका और आप चुपचाप देखती रही थी? तैयबा, ये कैसे बात कर रही हो तुम? ये ज़ारा की दादी सास हैं। आपको क्या हो गया है? आपको कोई एहसास नहीं अपनी पोती का? उसके साथ जो तशद्दुद किया इन्होंने भूल गई हैं आप क्या? आखिर मसला क्या है आपका? मेरा मसला तुम लोग हो, सारा वक्त तुम लोगों के मसाइल सुलझाते गुजरता है मेरा। आप आइए अंदर, तो आइए। कब से नुमेर को फोन कर रही हूँ मगर वो फोन ही नहीं उठा रहा। बिजी होंगे। अरे आज तो उसे छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। अरे अम्मी क्या हो गया आपको, काम छोड़ के बैठ जाएं क्या भाई? तुमने जब से अम्मी को बताया ना, अम्मी का खुशी के मारे बुरा हाल है। सारे खानदान को फोन कर चुकी है, मिठाइयों का ऑर्डर भी कर चुकी है और पुलिस भी बन चुकी है। उड़ा लो मेरा मजाक। अरे मेरे बेटे की पहली खुशी है, क्या मैं मनाऊं भी नहीं? अम्मी बहुत बेचैन है तुम्हारे पास जाने को। टिकट देख रही है बार बार, भेज दो उन्हें या अभी कुछ और दिन रहना है मियां के साथ अकेले? हाँ बेटा साफ साफ बता दो, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। मैंने आपको कॉल ही इसलिए किया कि आप फौरन से मेरे पास आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, बस फिर मैं आज ही टिकट करवा दी हूँ और बस फौरन आ जाऊंगी। मुझे तो खुद इंतजार नहीं हो रहा, बहुत बेचैन हूँ। अल्लाह ताला तुम लोगों को हमेशा खुश रखे।